हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर सहेलियां। मैं प्रीति पटेल आज आपको मलाई में से घी कैसे बनाते हैं वो भी एकदम सरल तरीके से आज दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये मलाई बड़े तपेले में डाल दी है। ये 15 दिन की मलाई है। अब हम उसमें दही डालेंगे। मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत 22-20 रहता है, इसलिए मुझे दही थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके एक 24 आवर्स के लिए हम रख देंगे। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, मैंने ये बेलन से किया है तो ये इजी होता है। अब हम इसको ढक के 24 आवर्स के लिए रख देंगे। तो ये मलाई में दही डालें, हमें 24 घंटे हो गए हैं। ये मलाई बिल्कुल देखो दही जैसी हो गई है। अब हम उसमें उसको फेंटेंगे, तो हम बेलन से फेंटेंगे। बराबर उसको फेंटना है, एकदम मिक्स होना चाहिए चारों तरफ से ऊपर नीचे। एक 10-1 मिनट हम फेंटेंगे। देखो लिक्विड हो गया है। ज्यादा फेंटने से फिर पानी डालने से मक्खन जल्दी आ जाता है और छास अलग हो जाती है। बहुत फेंटना है। पहले के जमाने में तो वो दोरी वाला यूज करते थे। अभी आप ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो या मिक्सी में डाल के भी कर सकते हो। मैं तो सिर्फ बेलन से करती हूँ। तो ये हमने फेंट लिया है। देखो फेंटने के बाद ऐसे रवे जैसा हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे तो मक्खन अलग हो जाएगा। देखिए सब मक्खन अलग हो गया। देखा, छास अलग हो गई, मक्खन अलग हो गया। अब हम मक्खन को निकालेंगे और घी बनाने के लिए रख देंगे। तो ये हमने बटर कढ़ाई में निकाल लिया है। अब हम इसका घी बनाएंगे। इसको धीमी आंच के ऊपर रखेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहेंगे। हाफ एन आवर तो लगता है धीमी आंच पे। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद हमारा घी हो जाएगा। बटर तो हमने निकाल लिया। अब ये छाछ बच गया है, इसका हम कढ़ी बना सकते हैं या मुठिया, हांडवा, ढोकरा कुछ बनाते उसमें डाल सकते हैं। पीना है तो पी सकते हैं। कुछ भी नहीं काम में लेना है तो फिर आप कढ़ी पत्ता का जो झाड़ रहता है उसमें डाल दोगे तो भी उसके लिए बहुत अच्छा है। कढ़ी पत्ता बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स, इसको वेस्ट नहीं करना, गटर में नहीं डालना, कड़ी पत्ते में डाल देना अगर कुछ भी यूज नहीं करना है तो। तो ये बटर बिल्कुल मेल्ट हो गया है और ये उबलने लगा है। अब हम देखते हैं, आधे घंटे में हो जाना चाहिए। देखो 10 मिनट हो गई है और ये गाढ़ा होने लगा है और 10-15 मिनट में हमारा ये घी रेडी हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा साइडों में से घी अलग होने लगा है। तो अब हमारा घी रेडी होने को आया है तो उसको कंटिन्यूस हिलाते रहिए, नहीं तो वो नीचे चिपक जाएगा। देखिए हमारा घी अलग होने लगा है। अब इसको अच्छे से हिलाते रहना है।
दिख रहा है साइड में सब घी अलग हो रहा है। गैस बराबर फुल आंच पे है। देखिए देखिए घी हमारा बनने को रेडी है। देखिए घी हमारा बिल्कुल अलग हो गया है और क्वांटिटी भी देखिए। मलाई में दही डाल के रखने से उसके बाद जो घी बनता है तो उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। अब होने को आया है इसलिए मैं इसमें 2 इलायची डालती हूँ। यू कैन सी घी बिल्कुल अलग हो गया है और जो रिमेन्स है वो नीचे बैठ गए हैं। ये रिमेन्स को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको आंच पे रखेंगे। ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हुआ कि हमारा घी हो गया। देखो अभी भी ये क्रीम कलर का है। हिलाते रहो हिलाते रहो बिल्कुल हिलाते रहो, चिपकना नहीं चाहिए बिल्कुल। देखो कितना अच्छा क्वांटिटी में घी बना है। अब होने के बाद हम इसको एक डिब्बे में छान लेंगे। अभी भी ये हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है। गोल्डन ब्राउन होते ही हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि ये गरम रहेगा तो वो गोल्डन ब्राउन अपने आप ही फिर ब्राउन हो जाएगा। देखिए तो अब हम हमारा घी और रिमेन्स वो अलग हो गए हैं। इसको हम गुजराती में बगरू कहते हैं। तो ये बगरू को भी हम लोग फेंकते नहीं हैं, उसको भी हांडवा फिर थेपला जो बनाते हैं मुठिया बनाते हैं उसके आटे में उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और वो भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं ये डालने से। तो फ्रेंड्स अब हमारा घी हो गया है, हम गैस बंद कर देंगे। इतना गर्म है इसलिए ये जो बगरू है रिमेन्स है वो भी अभी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अंदर के अंदर। अब हम 5-1 मिनट के बाद उसको डिब्बे में छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा बगरू है जो रिमेन्स है वो नीचे सेटल हो गया है और वो गोल्डन ब्राउन का हो गया है और घी पूरा ऊपर आ गया है। अब इसको हम छानेंगे और फिर जो चाहो वो बना सकते हो। खिचड़ी बनाओ मगज बनाओ डेली यूज में रोटी के ऊपर लगाओ, बहुत टेस्टी घी होता है ये। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा घी 1/2 किलो के ऊपर हुआ है और ये जो रिमेन्स है उसको कल मैं थेपला बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी और जो छाछ था उसको मैंने वो करी लीव्स के झाड़ में डाल दिया। तो कुछ भी हमने वेस्ट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से घी बनाइए और बाकी जो बचा कुचा रिमेन्स रहता है छाछ बगरू उसको भी साथ में यूज़ कीजिए। अगर आपको ये मेरा दही डालने वाला आइडिया अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।